हेलो फ्रेंड, आज हम स्वीट पटेटो वाइन के बारे में बात करेंगे। देखिए ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत है। ये देखिए ये वाइन है, इसको हम ऊपर भी चढ़ा सकते हैं और गमले में नीचे भी लगा सकते हैं। नीचे लटकती है, ये नीचे झुकती जाती है तो बहुत ही सुंदर लगती है। इसके पत्ते बहुत ही सुंदर होते हैं, इसके कई कलर होते हैं, पर्पल है, हरा है और पिंक शेड, इसकी दो तीन शेड होती हैं। और इसके पत्ते, ये कुछ पत्ते इस तरह के होते हैं इस कटिंग में, इस वाली कटिंग में, और कुछ के पत्ते पान के पत्ते के जैसे होते हैं जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ये देखिए अगर इनको एक साथ हम लगा दें गमले में तो बहुत ही अच्छी लगती है, इसको लगाने में शेड अच्छी लगती है, ग्रीन पर्पल और पिंक का शेड बहुत ही अच्छा लगता है साथ लगाने में। इसके साथ हम कोलेस और कोई भी प्लांट लगा सकते हैं, जो कोलेस वगैरह जैसे ऊपर चले जाते हैं और ये नीचे झुकती चली जाती हैं तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होता है इसका। ये वाइन है, इसको ऊपर भी चढ़ा सकते हैं और ये गमले में नीचे आराम से लगती है। और फ्रेंड्स इसको हम कटिंग से आराम से लगा सकते हैं, ये बहुत जल्दी ग्रो करती है। ये देखिए ये मेरा कटिंग ये कराई थी मैं, और ये कटिंग से देखिए मेरे कटिंग में कितनी अच्छी जड़ें आ गई हैं आप। ये देखिए आप कितनी अच्छी जड़ें आ गई हैं। ये देखिए अब मैं आपको इसको ग्रो करना सिखाऊंगी। ये देखिए अभी हम इसको ग्रो करते हैं। ये देखिए ये हमने गमले में मिट्टी ली है, 40% सॉइल और 40% रेत और 20% गोबर की खाद ये लिए हमने, और अब हम इसमें प्लांट लगाना सिखाएंगे। ये देखिए ये इसी गमले में हम इसको ऐसे रख देंगे, इसकी जड़ें मुड़नी नीचे ही ज़्यादा, और ये आराम से चलता है, ये बहुत ईजी प्लांट है ये आराम से। ये देखिए अब हम इसको आराम से ऐसे लगा देंगे। इसकी मैं कटिंग लेकर आई थी फ्रेंड, ये देखिए मेरी कटिंग भी इतनी अच्छी चल गई है, ये जो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है इस प्लांट को लगाते, क्योंकि मेरे पास ये प्लांट नहीं था, क्योंकि देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। देखिए ये प्लांट मेरा लग गया है, और ये जब घना हो जाएगा तो इसकी ये इस तरह से ये लटकने लग जाएंगे तो बहुत ही सुंदर लगता है ये प्लांट्स। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, इसको ग्रीन कलर के साथ में पर्पल आर्ट इनके साथ में, और हमारे क्या बोलते हैं इस पर स्पाइडर प्लांट होते हैं इनके साथ में लगाए तो इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है, और ये कटिंग से आराम से लग जाती है। इसको ज़्यादा पानी, ये पानी तो गम मिट्टी वैसे तो ये पानी में लग जाती है, लेकिन इतना ज़्यादा मिट्टी में तो इसको इतना ज़्यादा सोगी भी नहीं करना है, नहीं तो इसके जड़ें गलने लग जाएंगी। और इसको पानी में लगाते हैं तो हमें इसका पानी बदलना पड़ता है, जब अगर पानी नहीं बदलेंगे तो इसकी जड़ें गलने लग जाएंगी हमारी। तो देखिए अब हम ये हमने लगा दिया है, और इसके साथ में हम देखिए इसके साथ में हम कॉलेज की कटिंग भी लगाएंगे, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये देखिए मैं इसमें अभी कॉलेज की कटिंग लगा देती हूँ। ये देखिए इसके हम लगा देंगे, ये कटिंग से भी आराम से लग जाता है, इसके कटिंग में ये लग जाती है। ये देखिए हम लगाते हैं इसको, इधर ही लगा देते हैं। ये देखिए इसको ऐसे गीली मिट्टी हमारी, और ये आराम से लग जाए। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है इसके साथ में, आप ये देखिए ये प्लांट कितना सुंदर लग रहा है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। देखिए और आप इसे अपने गार्डन में लगाइए और अपने गार्डन को सुंदर बनाइए। फ्रेंड्स मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए।